हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑनलाइन फिशिंग। स्वागत है आपका ऑनलाइन फिशिंग। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखने वाले हैं SSC CHSL एग्ज़ाम फॉर्म जो है वो कैसे करते हैं, क्या क्या चीज़ इसमें रिक्वायरमेंट रहेगी, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे रोल कोड क्या होता है, कौन कौन सी मार्कशीट लगेंगी, फ़ोटो कैसे डालना है, फ़ोटो पर डेट क्या डालना है, डॉक्यूमेंट फॉर्मेट क्या होगा, रिक्वायरमेंट क्या है डॉक्यूमेंट की, रजिस्ट्रेशन डुप्लीकेट है तो कैसे क्या करना है, और रोल कोड और आपका ये सारी चीज़ें जो है हम इस वीडियो में देखेंगे और पूरा हम प्रोसेस देखेंगे स्टेप बाय स्टेप, जिसमें आपको सारी चीज़ें मैं आपको वन बाय वन बताते रहूँगा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे वीडियो को, और ये वीडियो इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए क्योंकि इसमें सारी चीज़ें मैंने बताई हैं। सबसे पहले आज जाना है आपको वेबसाइट पर ssc.nic.in पर। इस पर जाकर आपको, अगर आपका रजिस्ट्रेशन है ऑलरेडी तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो न्यू रजिस्ट्रेशन जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है उस बार आपको क्लिक कर देना है न्यू रजिस्ट्रेशन पर। इसी न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि आपको एक जो है इस प्रकार का फॉर्म ओपन हो जाएगा। ओके, यहाँ पर आपको आधार कार्ड जो है, आपको या तो आधार कार्ड है तो आधार कार्ड पर ओके कर यस कर दीजिए, नहीं है तो दूसरी आईडी जो है आपको डालनी पड़ेगी। आधार कार्ड है आपके पास बिल्कुल, आप आधार कार्ड का आप नंबर डाल दीजिएगा। ओके, इसके बाद आपको आपके नाम डालना है, आपका जो नाम है वो दोनों बार वेरीफाई करना है, जो कि 10th की मार्कशीट पे आपको वेरीफाई करना है। ओके, जो आपकी 10th की मार्कशीट है उसमें जो नाम डाला है उस पर ही आपको वेरीफाई करना है, ठीक है। और यही जो है काम आपको, जैसे कि आपके पिता का नाम, मदर का नाम, जो भी है आपकी 10th की जो है मार्कशीट उसमें ही से ही वेरीफाई आपको करना है। ओके, ऐसे आपको करेंगे तो आपको क्या कुछ दिक्कत नहीं आएगी। ओके चलिए, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप वन बाय वन हम करते जाएंगे और ये सारी चीज़ जो है हम देखते जाएंगे, ठीक है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि भैया जितनी वीडियो चल रही है वो आपको देखिए मैंने वर्टिकल वे में करी है। कारण इसका ये है कि ये जो वीडियो है वो मैक्सिमम स्टूडेंट इसलिए देखते हैं कि अपने खुद से मोबाइल से ही भर पाएँ। ओके, अगर जो मोबाइल से भर लेंगे तो उन्हीं के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी तो आप पीसी वगैरह से तो भर ही लेते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। ओके, तो उन स्टूडेंट के लिए भी है जो मोबाइल से भरते हैं। अब यहाँ पर हम आ चुके हैं, यहाँ पर देखिएगा आपको, यहाँ पर देखिए ये जो चीज़ है यहाँ पर आपको दिख रही है, ये आपको वेरीफाई कर लेना है। देखिए आपका नाम, आपके फादर का नाम, जो भी आपके पिता का नाम है, ओके, आपकी मार्कशीट में 10th की मार्कशीट में मदर का नाम और फादर का नाम दोनों के दोनों आपको वेरीफाई करके यहाँ पर डाल देना है, ठीक है। जैसे ही हम डालेंगे सारी चीज़ें जो है आपको डाल देना है वन बाय वन आपके चीज़ें, फिर आपका डेट ऑफ बर्थ जो है वो डाल दीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ जो भी है आपकी। ओके, आपके डेट ऑफ बर्थ, अगर जो भी डेटा होगा ध्यान रखेंगे, जो भी डेटा है वो आपको 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही डालना है। ओके, इसके बाद आपको आपका जो भी आपने जिस भी बोर्ड से आपने 10th या 12th जो है वो पास किया है, 10th में से आपका रिक्वायरमेंट यहाँ पर मांगा है पहले, तो 10th भी स्टेट बोर्ड से किसी से भी स्टेट बोर्ड से किया है वो आप चूज़ कर ले। जैसे कि मैंने यहाँ पर चूज़ किया है मध्य प्रदेश सेकेंडरी बोर्ड एजुकेशन। ओके, तो ये सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड है, उसको हमने चूज़ कर लिया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है चूज़ करने के बाद आपको ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन जो है वन बाई वन भरते रहना है, ठीक है। ये हमने भर दी यहाँ पर। ओके, वेरीफाई करना है, दो बार करना है। ओके, इसके बाद हमारा रोल नंबर जो है वो डाल देना है। ओके, जो आपका 10th की मार्कशीट में रोल नंबर है, याद रखेंगे यहाँ पर। अब एक दिक्कत क्या है कि रोल नंबर वही है जो रोल नंबर लिखा हुआ है, रोल कोड जो है वो सीरियल नंबर ऊपर लिखा रहता है, ठीक है। इसके बाद आपको सेव कर देना है। सेव करने के बाद यहाँ पर देखेंगे ओके का बटन आएगा, 14 डेज का आपको बताएगा। इसके बाद आपके पास मोबाइल पर रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, उसको डाल दीजिएगा, और पासवर्ड आएगा, उसको डालकर आपको एंटर कर देना है, कैप्चा कोड डाल देना है। ओके, ये सारी चीज़ डालकर आपको जो है लॉगिन करना है, क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन नया है तो लॉगिन लगेगा, और रजिस्ट्रेशन करना आपको अभी पूरा नहीं हुआ है। इस पर आपको क्या करना है, आपको देखिए आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो तो डालना ही डालना है, साथ में ही आपको रजिस्ट्रेशन के साथ में आपको देखिए यहाँ पर आपको सारी चीज़ आपको डालनी है। देखिए जैसे कि आपका पहले क्या था कि ओल्ड पासवर्ड था जो आपके मैसेज मोबाइल पर आया होगा, उसका नया पासवर्ड आपको बना लेना है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर नया पासवर्ड बना लिया है। ओके, नया पासवर्ड बनाने के बाद में ये सारी चीज़ें जैसे कि रोल नंबर हो गया, ये सारी चीज़ें है जो मैंने हटा दी है, उसके बाद आपको करना है नेक्स्ट। ओके, क्या कर देना है आपको करना है नेक्स्ट। नेक्स्ट के बाद आपको आपकी कैटेगरी चूज़ कर लेनी है। ऊपर आपको सबसे पहले कैटेगरी वेरीफाई करनी है, जैसे कि मैंने SC कैटेगरी वेरीफाई करी है, तो SC कैटेगरी आप भी वेरीफाई कर लीजिएगा। ओके, उसके बाद आपको स्टेट जो है वो क्या है, स्टेट आपको चॉइस कर लेना है। ओके, चॉइस वो हो जाएगा। उसके बाद आपको जो है आपका एड्रेस डाल देना है, जो भी आपका मतलब आपके पास एड्रेस नहीं, सॉरी, हाँ, आपको आइडेंटिफाई मतलब मार्क्स, जैसे कि मोल और नोज लिखा है मैंने, यहाँ पर भी आपका जैसे कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बस होना चाहिए। ओके, उसके बाद ये डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर देखा हुआ है, ओके, इन इन्फॉर्मेशन को वन बाई वन एक बार देखते रहिएगा क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर एड्रेस है, जो कि एड्रेस अगर आपने डाला है तो आप एक बार देखिएगा कि स्पेशल कैरेक्टर ना हो।
है ना, एड्रेस में क्या हो, स्पेशल कैरेक्टर्स आपके ना हो, ठीक है, कॉमा हो, स्लैश हो, हैज हो, स्टार हो, ये सारी चीज़ें उसमें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। पिन कोड वगैरह आपकी सिटी वगैरह आप वो चूज़ कर लीजिएगा। और जो अगर परमानेंट एड्रेस जो है आपका, वही जो है आपका सेकेंडरी एड्रेस है, तो वो आप डाल लीजिएगा और सेव कर दीजिएगा। क्या करना है, सेव करना है। अब सेव के बाद यहाँ पर हमें नेक्स्ट करना है। अब देखिए मैंने क्या गलती करी है यहाँ पर, कि जो मैंने अपना एड्रेस डाला है उसमें वो डॉट डाल दिया है, ओके। डॉट की वजह से क्या हो रहा है, वहाँ पर गड़बड़ आ रहा है, बार बार जो है वो ये बता रहा है कि ये प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पर। मैं चेकआउट नहीं कर रहा हूँ, वो हरा हरा कलर दिखा रहा है। वो क्यों दिखा रहा है, क्योंकि वहाँ पर मैंने डॉट लगा दिया है, वार्ड नंबर लिखा है, वार्ड नंबर की वजह से डॉट लगा दिया, तो मैंने वार्ड नंबर पूरा लिख दिया। उसके बाद आपको यहाँ पर सेव कर बता दिया कि नेक्स्ट करेंगे तो आप हो जाएगा, ओके, ठीक है। इसको जाएंगे तो आपको यहाँ पर देखिए मैंने हटा दिया ये, ओके, नंबर लिख दिया पूरा। उसके बाद हम लिखेंगे, हम इसे नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा नेक्स्ट, ओके, ये हमने नेक्स्ट करा, यहाँ पर सेव करने का नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। ये चेकआउट कर लिया, उसके बाद देखिएगा इसको मैंने नेक्स्ट कर दिया, ओके। अब आपको यहाँ पर एड्रेस वगैरह वो सेव करने के लिए बोल रहा है, ठीक है, करिए, नहीं करना कोई दिक्कत नहीं है, गूगल की बात अलग है। हमारा ये एग्ज़ाम फॉर्म है जो रजिस्ट्रेशन अभी प्रोसेस में है, ओके, अभी हुआ नहीं है, ध्यान रखिएगा, अभी यह हुआ नहीं, क्योंकि हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी यहाँ पर करेंगे, ठीक है। ये हो गया, एग्री कर दीजिएगा, इसे एग्री कर सेव एंड सेव कर दीजिएगा, सेव करके नेक्स्ट यहाँ पर आ जाएगा। सेव कर दिए, यहाँ पर हमें क्या आ गया, एक मोबाइल पर और एक ईमेल आईडी पर, किस पर, एक मोबाइल पर एक ईमेल आईडी पर आपको दो मैसेज आएंगे, ओके, दोनों को ही कर देना है वेरीफाई, ठीक है, मतलब पासवर्ड डाल देना है, ओके। ये डाल दिया, डालने के बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली हो गया है, ओके। अब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि 14 दिन के बाद जो है आपको एग्ज़ाम फॉर्म भराया जाएगा, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका जो फॉर्म डॉक्यूमेंट आपने भरे डाले हैं वो बस वेरीफाइड होंगे कि सही है या नहीं है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आप जो है हाल तुरंत के तुरंत भी आप जो है अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि देखिएगा यहाँ पर आपको सारे फॉर्म भरना जो फिलिंग करनी बता देता हूँ। पहले आपको देखिएगा यहाँ पर जो मीडियम चूज़ करना है कि आपका एग्ज़ाम का मीडियम क्या होगा, हिंदी इंग्लिश जो भी है 22 भाषाओं में चुन सकते हैं। वेरीफाई कर दीजिएगा, इसे आपको इंग्लिश भी देना है इंग्लिश चूज़ कर लीजिए, हिंदी भी देना है हिंदी चूज़ कर लीजिए, मैंने हिंदी अभी चूज़ कर ली है, ओके। अब टाइपिंग टेस्ट जो है वो टाइपिंग टेस्ट देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी स्टूडेंट वहाँ टाइपिंग टेस्ट करेंगे तो वहाँ पर हिंदी नहीं है, ओके, वहाँ पर इंग्लिश ही है, तो इंग्लिश में ही चूज़ करिएगा और इंग्लिश में ही आपको प्रैक्टिस करनी है, ओके। और हिंदी वाले हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि भैया जिसको हिंदी आती है उसको इंग्लिश तो आती है, लेकिन हिंदी जो इंग्लिश वाला उसे हिंदी नहीं आती है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, ओके। उसके बाद फॉर्म को नीचे आ जाना है, ओके, ये सारी चीज़ आपको एक बार चेकआउट कर लेना है क्या क्या दिया हुआ है, ओके। एज रिलैक्सेशन है तो एज रिलैक्सेशन के लिए कर लीजिएगा, यस कर दीजिएगा, नहीं है एज रिलैक्सेशन तो उसको नो करके रखिएगा, जैसे कि मैंने एज रिलैक्सेशन के ही नो कर दिए। फिर आपको हायर एजुकेशन जो है आपकी क्या है वो डाल दीजिएगा, अगर इसमें टेंथ और ट्वेल्थ नहीं दिया, जैसे कि किसी का ट्वेल्थ है हायर एजुकेशन, तो उस पर अदर लगा दीजिएगा, क्या अदर 35 उस पर लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। बाकी यहाँ पर लिखा हुआ है क्या क्या है आपका, जैसे कि किसी भी का बी एस सी है जो भी है, उसका यहाँ पर जो डिटेल डालनी है, ओके, ये जो डिटेल डालनी यहाँ पर आपको दिख रहा है, एक मिनट देखिएगा, ये जो यहाँ पर डिटेल डालनी है ना, किस एग्ज़ाम की डिटेल डालनी है, ये यानी ट्वेल्थ क्लास की, किसकी, ट्वेल्थ क्लास की यहाँ पर आपको डिटेल डालनी है, ना कि ग्रेजुएशन की ना कि टेंथ की, ओके। यहाँ पर ट्वेल्थ क्लास की आपको डिटेल डालनी है, वो वहाँ पर बोल दिया ट्वेल्थ क्लास, ऊपर इन्फॉर्मेशन डाली ना, ट्वेल्थ क्लास की इन्फॉर्मेशन डालनी है, ओके। आपको डालने के बाद यहाँ पर आपको देखिएगा, ये आपको फ़ोटो अपलोड करना है, यहाँ पर साइन अपलोड करना है, ठीक है, ये फ़ोटो और साइन आप अपलोड कर लीजिएगा। ये फ़ोटो मैंने अपलोड कर दिया, साइन भी अपलोड मैंने कर दिए, ओके। इसको यहाँ पर यह है, आप यस एग्री कर दीजिएगा, ये कैप्चा भर दीजिए और आपको यहाँ पर सेव कर देना। नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है तो नेक्स्ट कर दीजिए, एक बार प्रीव्यू देख लीजिएगा कि प्रीव्यू में कोई गलती तो नहीं है, ओके। प्रीव्यू मतलब एक बार चेकआउट करिएगा, हाँ इस बार चेकआउट करेंगे, इस प्रकार का चेकआउट करने से अगर पता चल गया कि कुछ भी चीज़ दिक्कत नहीं है तो आप एक बार देख लीजिएगा कि नहीं है दिक्कत, तो ये आप यस करके आगे बढ़ा दीजिएगा, ठीक है, और सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है। जैसे सबमिट करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें दिख जाएंगी कि भैया आपका फॉर्म जो है सबमिट हो चुका है सक्सेसफुली। तो ये आप जाकर एक बार जो है इस फॉर्म को जो है एक बार प्रिंट कर लेंगे, चेकआउट कर लेंगे क्या दिखा रहा है, ओके। अब एक बार हम चेकआउट कर लेते हैं, देख लेते हैं कि अगर फॉर्म फिल करने के बाद कैसे दिख रहा है। बिल्कुल जी, आपका जो है फॉर्म फिल हो चुका है, ओके।
फॉर्म फिल होने के बाद में और भी क्या क्या कंडीशन, इसके बाद में आपको चेकआउट कर लेना, आपका पूरा का पूरा जो फॉर्म है वो आपका कैसा भरा है, सारी डिटेल है या सही नहीं है वो भी देख लीजिएगा। अब देखिए, कई लोगों को दिक्कत रहती है कि रोल कोड क्या है, रोल नंबर क्या है। तो रोल नंबर तो रोल नंबर देखा ही रहता है, रोल कोड मतलब आपका सीरियल नंबर जो आपके ऊपर मार्कशीट के ऊपर लिखा है, ओके। सीरियल नंबर लिखा होता है बोल्ड अक्षरों में जो लिखा होता है, ठीक है। मार्कशीट का फॉर्मेट इसमें नहीं लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 10th 12th की मार्कशीट बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं लगेगी नहीं लगेगी क्या होगा, इसमें मार्क्स लग रहे हैं, ओके। और आधार कार्ड का नंबर लगेगा जो वेरीफाई होगा 14 दिन के बाद में अगर आपने भरा है। और आप फॉर्म भरने के ही समय पर, रजिस्ट्रेशन करने के ही समय पर आप फॉर्म भी भर सकते हैं, 14 दिन का इंतजार नहीं करना है आपको। एग्ज़ाम डे, अच्छा फोटो पर क्या डेट होना चाहिए, तो फ़ोटो पर आपके एग्ज़ाम फॉर्म भरने की 2 महीने पहले से, मतलब 2 महीने या 3 महीने पहले की, मतलब 3 महीने पहले की डेट नहीं डालनी है, मतलब 1-2 महीने पहले की डेट डाल सकते हैं। जैसे आपने अभी फॉर्म भर रहे हैं तो आप जनवरी फरवरी मार्च से आप जो है अपना डेट डाल दीजिए। आज भर रहे हैं तो आप मार्च का डाल दीजिए, जनवरी मार्च अप्रैल हो गया मई डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको मैंने बता दी हैं, ओके। तो आई थिंक ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आपके एग्जाम के लिए आपके रिजल्ट।